यू वी दे इनके साथ हम हैव का यूज़ करते हैं ही शी इट इनके साथ हम हैज़ का यूज़ करते हैं आई हैव मैनी स्टोरी बुक्स मेरे पास बहुत सारी कहानी की बुक्स है, किताबे हैं किताबें हैं वी हैव टू कार्स हमारे पास दो कारें हैं वो वुरल नाउन आ गया तो अब यहाँ हम हैव का यूज़ करेंगे यू हैव ब्यूटिफुल रोसेज तुम्हारे पास सुंदर फूल हैं दे हैव बैट्स इन देयर हैंड्स दे प्लूरल नाउन है उनके पास उनके हाथ में बैट्स हैं इंसेक्ट्स हैव सिक्स लेग्स अब इंसेक्ट्स है ये भी प्लूरल नाउन हो गया अब जो इंसेक्ट हैं छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं उनकी छः टांगे होती हैं He has a pet dog. अब he जो है plural noun है यहाँ has का use होगा उसके पास एक पालतू कुत्ता है He has curly hair. उसके बाल घुंघराले हैं Vishu has a new bicycle. Vishu के पास नई bicycle है The monkey has a long tail. Monkey अब singular noun है one animal है यहाँ has का use होगा monkey, monkey की एक लंबी पूंछ है दिस टूल हैज़ थ्री लेग्स इस टूल के पास इस टूल में तीन टांगे हैं अब ये वन ऑब्जेक्ट है सिंगुलर नाउन है तो हम यहाँ हैज़ का यूज़ करेंगे फिलिंग द ब्लैंक्स विद हैज़ और हैव दिस क्लॉक हैज़ टू हैंड्स अब ये जो क्लॉक है इसके दो हाथ हैं ओनली वन बॉय हैज़ अ कैप ऑन हिज हैंड अब ये एक लड़का है वन पर्सन है तो यहाँ हैज का यूज करेंगे तो उस लड़के के सिर पर एक कैप है द कैमल अ बिग हम्प कैमल की बिग हम्प है ये जो ऊपर उठा हुआ हिस्सा होता है ना कैमल का इसे बोलते हैं हंप। वी हैव डिनर एट एट ओ क्लॉक आप वी यहाँ प्लूरल नाउन है मोर देन वन पर्सन है तो क्या कह रहे हैं कि हम रात को आठ बजे डिनर डिनर लेंगे दीज चिल्ड्रन बैग्स अब ये पर्सन मोर देन वन है एक से ज़्यादा व्यक्ति हैं रूरल नाउन हो गया तो अब हम यहाँ हैव का यूज करेंगे दिस चिल्ड्रन हैव न्यू बैग्स इन बच्चों के पास नए बैग हैं टर्न द पेज दिस क्लॉक हैज़ टू हैंड्स इस घड़ी के दो हाथ हैं ओनली वन बॉय हैज अ कैप ऑन हिज हेड एक ही लड़के के सिर के ऊपर टॉपी है द कैमल हैज अ बिग हम्प कैमल की पीठ पर एक हम्प है वी हैव डिनर एट एट ओ क्लॉक हम डिनर रात को आठ बजे लेंगे द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज द होमवर्क थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे